बट दैट ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज ऑलवेज सेम ठीक है कभी भी किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज ऑलवेज द सेम बट दिफरेंट एलिमेंट सेम यह बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेड बच्चों की देखिये कभी भी एटम डिफरेंट हो एटम डिफरेंट हो तो कंपोजिशन सेम नहीं हो सकता और यहां पर कह रहा है कि कंपोजिशन क्या हो जाएगा सेम तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी इनकरेक्ट है कंपोजिशन सेम नहीं हो सकता जब एटम ही अलग है यहां पर कहा हुआ है डिफरेंट अब हाँ, देखो जब N का रेशियो एक से ज्यादा हो जाता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं ठीक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं तो यहाँ पे यही कहा हुआ है कि जब न्यूक्लियाई विद वेरी हाई और वेरी लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आर रेडियो या तो एक से ज्यादा हो जाए या तो बहुत ही लो हो जाए ठीक है या लो हो जाए या, या ये बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए किसी एक गिवन रेंज के बीच में होता है तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होता लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव है क्योंकि वो या तो वो ज्यादा है या तो वो बहुत कम है तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है द दॉर द हाफ लाइफ द मोर इंटेंस इज द रेडियो डीके ऑफ गिविन सैंपल द हाइफ लाइफ मीन इज वॉट बच्चों की बहुत जल्दी ही वो खत्म हो जा रहा है उसका डीके हो रहा है ठीक है और डीके होने का मतलब है कि जितना जल्दी डीके होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी क्या होगी मैक्स होगी अब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी इस वजह से ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है अब बात आती है द न्यूक्लिया कंटेनिंग द मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन आर मोस्ट स्टेबल येस जैसे कि इसी का न्यूक्लिया टू है एट है एटीन है ठीक है ये सब सारे नंबर क्या होते हैं मैजिक नंबर अब इन सब मैजिक नंबर के आने आ, मैजिक नंबर आने वाला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट में आता है तो ऑप्शन फोर भी क्या है करेक्ट है तो हमारा सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो क्या है करेक्ट है क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई, आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा है आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर